नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्टडी एल पर। मैं हूँ सचिन। दोस्तों आज के स्टूडियो में लेकर आया हूँ रेट लेवल टू का जो फैसला सुरक्षित रखा गया है वो कब तक जारी हो सकता है, और साथ ही मैं बताने वाला हूँ कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और 800 पदक दो की विभक्ति वो कब तक आ सकती है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कीजिए, और बगल में आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जैसे मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप इस वीडियो देख सको अपने फ़ोन पे। दोस्तों सब्सक्राइब नाउ, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस लाइक ऑप्शन भी डिसलाइक भी कर सकते हो। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। दोस्तों अब बताता हूँ रीट सेकंड लेवल 2018 के अभ्यर्थियों के लिए सूचना। दोस्तों रीट सेकंड लेवल 2 के रिजल्ट को लेकर अधिकारियों से मेरी बात हुई है। अधिकारियों ने कहा जैसे ही कोर्ट से स्टे हटी, यानी कि जिसने स्टे हटेगी उसी दिन या दूसरे दिन जो आपकी जिसने स्टे हटेगी उसी दिन या दूसरे दिन रिजल्ट जारी किया जाएगा दोस्तों, और उसके तुरंत बाद भर्ती के लिए बीकानेर दर्श द्वारा विज्ञप्ति 28,000 पदों पर जारी कर दी जाएगी। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि विज्ञप्ति कब जारी होगी, रिजल्ट कब जारी होगा, यानी कि दोस्तों जिससे स्टे अटेगी स्टे किस दिन अटेगी तो वो भी मैं बता देता हूँ, यानी कि स्टे अटने के सेकंड दिन विज्ञप्ति और यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाता है। दोस्तों स्टे किस दिन आते हैं, तो दोस्तों हाईकोर्ट के एडवोकेट के अनुसार इस वीक में हाईकोर्ट से फैसला आने की पूरी संभावना है। आप हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहना, वेबसाइट पर फैसला ओपन जिस दिन रिजर्व फैसला ओपन किया जाएगा उन्हें की तारीख अपडेट की जाएगी हो जाएगी उस दिन, तो उसमें सारी जानकारी दी जाएगी। जीत संघर्ष की ही होगी, यानी कि हमारी ही होगी दोस्तों, इस पर कोई संदेह नहीं है कि हमारी जीत नहीं है दोस्तों, क्योंकि फैसला हमारे हक में आएगा, ना कि बेरोजगारों के हित में, ना कि बेरोजगारों के विपक्ष में, बल्कि बेरोजगारों के हक में फैसला आने वाला है। ये उपेन यादव की तरफ से दोस्तों ये बड़ा बयान है। उपेन यादव राजस्थान बेरोजगार एकीकृत के महासंघ के अध्यक्ष, ये उपेन यादव का बयान है दोस्तों। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, लाइक कर दो, और इस वीडियो को अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।